हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सक्षित पटल पर। जैसे भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी खिलाने वाली कर्मा बाई की कथा, भगवान श्री कृष्ण की परम उपासक भगवान जी के बाल रूप से रोज बातें करती हैं, जैसे ठाकुर जी उनके पुत्र हो, उनके घर में वास करते हों। एक दिन कर्मा बाई की इच्छा हुई, ठाकुर जी फल में एक जगह हमारे हाथ का कुछ बना खाएं। उन्होंने भगवान जगन्नाथ को बताया तो उन्होंने कहा कि मैं क्या बना दूं आपके लिए। भगवान राजी हो गए तो उन्होंने कहा कि मैं क्या बना दूं आपके लिए। भगवान ने कहा, माँ जो भी बनाओ वही खिला दो। कर्मा बाई ने खिचड़ी बनाई थी, ठाकुर जी को खिचड़ी खाने को दे दी। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे। कर्मा बाई ये सोचकर भगवान को पंखा झलने लगी, कहीं गर्म खिचड़ी से मेरे ठाकुर जी का मुँह न जल जाए। संसार को अपने मुख में समाने वाले भगवान को कर्मा बाई एक माता की तरह पंखा कर रही है। भगवान भक्त की भावना में विभोर हो रहे हैं। भक्त वत्सल भगवान ने कहा, माँ मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, मेरे लिए आप यही रोज खिचड़ी पकाया करो, मैं तो यही आकर खाऊंगा। अब तो कर्मा बाई जी रोज सुबह उठती, सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी काम बाद में करती। भगवान भी सुबह सवेरे आते आते कहते, माँ जल्दी से मेरी खिचड़ी लाओ। प्रतिदिन यही क्रम बन गया। भगवान सुबह आते, भोग लगाते चले जाते। एक बार महात्मा कर्मा बाई के पास आया। महात्मा ने उन्हें सुबह सुबह खिचड़ी बनाते देख कहा, नाराज होकर कहा, माता जी आप क्या कर रही हो, सुबह सबसे पहले उठकर नहाना धोना पूजा पाठ करना चाहिए, आपको तो पेट की चिंता सताने लगी है। कर्मा बाई बोली, क्या करूं महाराज जी, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता वही सुबह सुबह मेरे पास भूखे आ जाते हैं, मैं सब काम छोड़कर पहले खिचड़ी बनाती हूँ। महात्मा ने सोचा, शायद कर्मा बाई की बुद्धि फिर गई है, यह तो ऐसे ही बोल रही है जैसे भगवान इसकी बनाई खिचड़ी के भूखे बैठे हैं। महात्मा कर्मा बाई को समझाने लगे, माता जी तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो, सुबह स्नान के बाद पहले रसोई करो फिर भगवान के लिए भोग बनाओ। अगले दिन कर्मा बाई ने वैसा ही किया। जैसे ही सुबह हुए भगवान आए, माँ मैं आ गया हूँ खिचड़ी बनाओ। प्रभु अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। माँ मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। फिर बोली, अभी मैं सफाई कर रही हूँ। भगवान सोचे, माँ को क्या हो गया, ऐसे तो कभी नहीं हुआ। फिर जब कर्मा बाई ने खिचड़ी परोसी, भगवान ने झटपट करके खिचड़ी खाई, परंतु आज खिचड़ी में रोज वाले भाव का स्वाद नहीं रहा। फिर जल्दी जल्दी भगवान बिना पानी पिए मंदिर चले गए। भगवान ने बाहर महात्मा को देखा तो समझ गया, अच्छा तो यह बात है, मेरी माँ को पट्टी इसी ने पढ़ाई। अब यहाँ ठाकुर जी के मंदिर में के पुजारी जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी है। पुजारी बोले, प्रभु जी खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लगी? भगवान ने कहा, पुजारी जी मैं रोज कर्मा बाई के घर खिचड़ी खा कर आता हूँ, आज माँ कर्मा बाई जी के घर आप जाओ और जो वहाँ महात्मा ठहरे उनको समझाओ मेरी माँ को गलत पट्टी कैसे पढ़ा दी। पुजारी जी ने महात्मा जी से जाकर सारी बात कही। भगवान भाव के भूखे हैं यह सुनकर महात्मा जी घबराए, तुरंत कर्मा जी के पास जाकर क्षमा मांगे और बोले, नियम धर्म तो हम संतों के लिए है, आप जैसी खिचड़ी बनाती हो वैसी ही आपके भाव से ठाकुर जी खिचड़ी खाएंगे। एक दिन आया जब कर्मा बाई के प्राण छूट गए। उस दिन मंदिर पुजारी ने मंदिर के पट खोले तो भगवान की आंखों से आंसू बह रहे थे, प्रभु रो रहे थे। पुजारी ने भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा, मेरी माँ आज निज लोग विदा हो गई, अब मुझे खिचड़ी बनाकर कौन खिलाएगा। पुजारी ने उसी दिन से भोग के लिए मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में खिचड़ी के भोग का नियम बना दिया और आज भी भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। वास्तव में दिल को छू देने वाली यह कथा, भगवान तो भाव के भूखे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद, नमस्कार। व्यक्ति की पहचान उसकी वाणी, व्यवहार और व्यक्तित्व से होती है, वरना उपदेश तो किताबों में भी लिखे होते हैं। मन से ज्यादा उपजाऊ खेत कोई नहीं है, यहाँ जो भी बोया जाता है उगता जरूर है, चाहे वो सुविचार हो, प्रेम हो, ईर्ष्या हो या द्वेष हो।